अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब ठीक होंगे और जहाँ पे होंगे खुश होंगे। स्टोरी सुनाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपके पास स्टोरीज़ हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। आज की ये पहली स्टोरी उस्मान ने सेंड की है मुझे गुजरांवाला से। मैं जो वाकया आपको सुनाने जा रहा हूँ ये हकीकत पर बेस है, जो कि पिछले हफ्ते मेरे साथ हुआ और मेरे ही घर में हुआ। मैं जहाँ पर रहता हूँ वो इलाका काफ़ी पुर रौनक है और गुंजान आबाद है। ये हमारा आबाई घर है जहाँ अब मैं अकेला रहता हूँ, क्योंकि मेरे अम्मा अब्बा के फौत होने के बाद बहन भाइयों की शादियाँ हो गई और वो सब अलहदा घरों में रहते हैं। मैं अभी शादीशुदा नहीं और दूसरा, अम्मा अब्बा से मैं बेइंतहा मोहब्बत करता था। इनकी यादों को गले लगाए इस घर में अकेला आ गया। खैर, अब चलते हैं इस किस्से की जानिब जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। ये मंगल की सर्द रात थी और मैं बिस्तर पर लेटा हुआ था। मैं रात 12 बजे अपने जिम से वापस आकर स्टोरीज़ लिखता हूँ। उस दिन मैंने लिखने के अमल में मसरूफ़ था कि मुझे कमरे से बाहर खिड़की की जानिब कोई हरकत महसूस हुई, जिसे मैंने पहले पहल तो नज़रअंदाज कर दिया, लेकिन कुछ देर के बाद मेरे अंदर बेचैनी ने हुई और छठी हिस्स ने मुझे कहा कि बाहर की जानिब चलते हैं और कुछ ना कुछ है ज़रूर। मैंने मोबाइल को एक तरफ रखकर बाहर खिड़की की जानिब सहन की तरफ घूरना शुरू कर दिया। कोई 1-1.5 मिनट घूरने के बाद वहाँ सिवाय खामोशी और खालीपन के मुझे कुछ दिखाई ना दिया। मैं फिर से अपने मोबाइल पकड़कर लिखना शुरू कर दिया। कोई 5 मिनट ही गुजरे होंगे कि अब की बार मुझे माचिस की तीली जलाने की आवाज़ सुनाई दी, जैसे किसी ने अभी अभी माचिस जलाई हो। सर्दियों की रातों में खामोशियाँ अपनी इंतहा पर होती हैं। घड़ी की टिक टिक से लेकर दिल की धक धक तक साफ सुनाई देती है, इसलिए माचिस जलने की इतनी शफाफ आवाज़, वो भी इंतहाई करीब से, मेरे लिए हैरान कुन थी। एक बार फिर से मैंने मोबाइल को साइड पर रखा और बाहर की जानिब दरवाजे से घूरने लगा। मेरा जहन था कि उठ के बाहर बरामदे में आकर देखूँ, लेकिन सर्दी की इंतहा देख कर गर्म बिस्तर छोड़ने को मेरा दिल तैयार नहीं था, इसलिए चारों नचार में चंद मिनट बाहर घूरने के बाद दोबारा से मोबाइल में बिजी हो गया। अभी मुश्किल से मैंने एक आधी लाइन लिखी थी कि अचानक से नाक में एक तेज़ खुशबू आई, अगरबत्ती की खुशबू थी जो बाहर बरामदे की खिड़की में से होते हुए अंदर कमरे में आ रही थी। हकीकत की बार में पूरी तशवीश में मुबतला हो गया, इसलिए फटाफट बिस्तर से निकलते ही बाहर बरामदे में आ पहुँचा। फर्श पर एक अदद माचिस और इस माचिस की तीलियाँ बिखरी पड़ी थी, लेकिन आसपास कहीं कोई अगरबत्ती जलती दिखाई ना दी, लेकिन अगरबत्ती की तेज़ खुशबू बड़े तेज से आ रही थी। इस घर में मेरे अलावा कोई नहीं रहता था, तो इस खाली घर में मेरे अलावा कभी कोई ऐसी कौन सी तीसरी जिंस थी जो ये हरकतें कर रही थी? खैर, मेरे लिए ये तशवीश की बात तो थी, लेकिन खौफ हरगिज़ नहीं आया, क्योंकि मैं अब खौफ की सरहदों से काफ़ी आगे निकल आया हूँ। कुछ देर इर्द गिर्द का जायज़ा लेने के बाद मैंने दोबारा अपने बिस्तर की तरफ गया। बिस्तर में आकर लेटा ही था कि अचानक से पूरे घर में गुप अंधेरा हो गया, लाइट चली गई थी। मेरा कमरा और पूरा घर गहरी तारीकी में था, हाथ को हाथ सुझाई नहीं दे रहा था। मैंने लेटे ही लेटे जल्दी से अपने बिस्तर से मोबाइल की ढूंढने की कोशिश की, लेकिन मोबाइल मुझे नहीं मिल रहा था। इसी दौरान पाजेब की छनक से चलने की आवाज़ मेरे कमरे में आई, जैसे कि कोई मेरे बहुत करीब मेरे बिस्तर पर आन मौजूद हुआ है। और मैंने लिहाफ में ही से एक पैर पर इंसानी लम्स को महसूस किया, जैसे कोई इंसानी जिस्म मुझे छू रहा है। अब की बार मेरी हालत सूरत हाल ख़राब हो चुकी थी। मैं उठकर बैठते ही दोबारा से मोबाइल ढूंढना शुरू कर दिया, जो कि आखिरकार मेरे हाथ आ गया। मैंने मोबाइल पकड़ते ही जैसे ही इसे ऑन करना चाहा, तो इस वक्त पूरे घर की लाइट दोबारा से ऑन हो गई। कमरे में जलती ट्यूब लाइट से मेरी आंखें चुंधी आ गईं। खैर, मेरे आसपास कुछ भी ना था, कमरा पहले की तरह खामोश और खाली था, लेकिन मेरे दिल की धड़कन तेज हो चुकी थी। मेरे आसपास ही था, एक बार फिर से आया था। वो सारी रात मैंने आंखों में गुजार दी और सुबह होते ही मैं गहरे नींद में सो गया। मैं अब और आज इसी घर में हूँ, बिल्कुल तन्हा और अकेला। रात भर जाग कर गुजारता हूँ और दिन में नींद पूरी करता हूँ। एक हफ्ते से ऊपर हो चुका है, दोबारा से कुछ मुझे महसूस नहीं हुआ, लेकिन मैं जानता हूँ कि इसका जब दिल चाहा इसने अपनी आहट का एहसास दिलाना है। क्वेटा से सेकंड स्टोरी इमरान ने सेंड की है। मैं अमलियात सीखने का शौकीन हूँ,
और अक्सर अमल करने के लिए जंगल में जाता था। अमल की एक पढ़ाई के दौरान मेरे साथ ये वाक्या पेश आया था। हुआ इस तरह कि मैं कई रातों से एक तस्बीह कर रहा था। मैं रोज़ाना इशा की नमाज के बाद गांव में ही घरों से कुछ फासले पर मौजूद एक दरख्तों के झुंड में जाकर हिसार खींचकर पढ़ने बैठ जाता और तस्बीह की तादाद मुकम्मल करके घर वापस आ जाता। इस अमल को करते करते शायद 20 से ज़्यादा दिन गुजर चुके थे। वो अगस्त यानी सावन के दिन थे। सारा दिन बारिश होती रही थी और अब ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। मैंने इशा की नमाज अदा की और टॉर्च और लाठी उठाई और घर से निकलकर अपनी मखसूस जगह की तरफ चल पड़ा। अपनी जगह पर पहुंचकर मैंने हिसार खींचा और रोज़ की तरह पूरे ध्यान से पढ़ना शुरू कर दिया। आंखें बंद किए मैं पूरी तवज्जो से अपने अल्फाज दोहरा रहा था कि मुझे खटके की आवाज़ आई। मैंने आंखें खोलकर जल्दी से टॉर्च रोशन करके इधर उधर देखा, मगर हर तरफ गहरी खामोशी थी। बस हवा की वजह से दरख्तों के पत्ते हिलने की आवाज़ें आ रही थी। मैंने टॉर्च बंद करके दोबारा से आंखें बंद की और पढ़ना शुरू कर दिया। अचानक से दोबारा से खटका महसूस हुआ, जो कि अब मेरे बिल्कुल सामने से आया। मैंने टॉर्च का रुख सीधा करके इसे रोशन किया तो दिल धक से रह गया। मेरे बिल्कुल सामने 10-15 फुट के फासले पर सुरमई चादरों में लिपटे दो आदमी बैठे हुए थे, जिनकी कमर मेरी तरफ थी। मैं हैरान था कि ये कौन है और ये अचानक कहाँ से आ गए, क्योंकि मैं जब आया था तब यहाँ पर कोई भी ना था और अभी चंद लम्हे पहले खटका सुनाई दिया था। मुझे टॉर्च रोशन करके देखने पर भी कोई नज़र ना आया। मैं समझ गया कि मेरे साथ आज शरारत हो रही है। मैंने टॉर्च रोशन रहने दी और पढ़ना शुरू कर दिया, मगर मेरी नज़र मुसलसल इन दोनों वजूदों पर थी जो बिल्कुल खामोश बैठे थे। इन्हीं पर टिकी थी कि कोई 2 मिनट गुजरे होंगे कि इनमें से एक जल्दी से उठ खड़ा हुआ और मेरी तरफ से अपना चेहरा फेर लिया। मेरी हैरत की इंतहा ना रही, वह हूबहू मेरे जैसा था। इसी दौरान मैं दूसरा भी खड़ा होकर मेरी तरफ रुख फेर चुका था, वो भी बिल्कुल मेरी शक्ल का था। मेरी समझ में आ चुका था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मैं जो हैरानी की वजह से तस्बीह के अल्फाज रोक चुका था, जल्दी जल्दी से पढ़ने लगा। इतनी देर में इनमें से एक मेरी तरफ उंगली के इशारा करके बोला कि ये रोज़ाना पढ़ने आ जाता है, आज ये वापस नहीं जाना चाहिए, चलो पकड़ो इसे। और दोनों मेरी तरफ दौड़े और हसार की लकीर के पास आते ही वो हवा में सिगरेट के धुएं की तरह गायब हो गए। मेरी कैफियत का अंदाज़ा आप कर सकते हैं, ये जानने के बावजूद कि ये सब दिखलावा है, ये मखलूक हसार के अंदर नहीं आ सकती। मेरी उंगलियां तस्बीहों के दानों से फिसल गईं और इनके गायब होने के चंद लम्हे बाद जब मेरे हवास बहाल हुए, मैंने इर्द गिर्द टॉर्च घुमा कर देखा तो सन्नाटे के सिवा कुछ ना था। दरख्तों के पत्ते की हवा से खड़खड़ाने की आवाज़ थी बस। मैं तस्बीह की तादाद भूल चुका था। मैंने तस्बीह उठाई और अंदाजे से बाकी की पढ़ाई मुकम्मल की और वापसी की राह ली। मुझे शिद्दत से खुद पर गुस्सा आ रहा था, क्योंकि दिखलावे में अगर तस्बीह की तादाद भूल गया, अभी मैं घर के रास्ते पर ही था कि पीछे झुंड से ज़ोर से घोड़ों के हिनहिनाने की आवाज़ और इंसानी कहकहों की आवाज़ें आने लगी। लोग मेरा नाम पुकार पुकार के कह रहे थे कि अब की मार का मज़ा चखना। मैं बिना पीछे देखे चलता रहा। घर के दरवाजे तक पहुँचते पहुँचते बारिश की बूंदाबांदी फिर से शुरू हो गई थी। घर दाखिल होकर मैं सीधा बिस्तर पर जाकर लेटा। रह रहकर इतने दिनों में मेहनत रायगा जाने का मुझे अफसोस हो रहा था कि अचानक मैं दर्द से तिलमिला उठा। मेरे दोनों पाँव के तलवों पर किसी ने ज़ोर से जैसे डंडा मारा हो। मेरे मुंह से दर्द के मारे सिसकारी निकल गई। मैं उठकर बैठकर पाँव के तलवे सहलाने लगा। दर्द की शिद्दत से मेरी आंखों में पानी निकल आया। इसी दौरान मेरी कमर पर ज़ोर से डंडा पड़ा। ना चाहते हुए भी मेरे मुँह से आह निकल गई। कोई 5-6 बार ऐसा हुआ, वक्फे वक्से से पांव और कमर पर मुझे डंडे पड़ते रहे। सुबह की नमाज तक मैं तकलीफ़ से अदमुआ हो चुका था। अजान की आवाज़ सुनकर उठा, वुजू करके घर पर ही नमाज पढ़ी। नमाज के बाद मैंने अपने तरीके से मालूमात हासिल की, ये सब क्यों हो रहा था। जवाब में मेरी सोच के मुताबिक था कि दौराने चिल्ला तस्बीह की तादाद ऊपर नीचे होने की ये सज़ा है और अब हमेशा सावन के महीना 11 रातें ये सब भुगतना पड़ेगा। 11वीं रात के बाद से दोबारा अमल शुरू किया। पूरे चिल्ले के दौरान सब दिखलावे हुए, मगर अब मैं संभल चुका था। अल्लाह पाक ने मुझे कामयाबी अता की। अब जब भी सावन आता है 11 रातें बहुत तकलीफ़ मिलती। आप सबसे मेरी दरख्वास्त है कि बिला सोचे समझे चिल्ले मत करें, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। सादिया ने ये कहानी कराची से सेंड की है। आज जो किस्सा मैं आपको बता रही हूँ वो बहुत करीबी दोस्त का है
और बिल्कुल सच्चा है। ये पाकिस्तान बनने से पहले की कहानी है, जो मेरे दादा, जो कम उम्र में यतीम हो गए थे और 8 बहन भाइयों में सबसे बड़े थे, रोज़ाना 7-8 किलोमीटर पैदल स्कूल जाया करते, क्योंकि गांव में जो स्कूल था वो सिर्फ 5वीं जमात तक था। मैट्रिक छठी जमात से मैट्रिक तक दूसरे गांव जाना पड़ता। मेरी दादी घर में कशीदाकारी करके गुजर बसर करती थी। मेरे दादा के चचा ने सांझी ज़मीन हथिया ली थी और इस तरह मेरे दादा लोग बहुत गुरबत की ज़िंदगी गुजार रहे थे। सिर्फ एक अपनी छत का ही आसरा था। मेरे दादा के अबू को बच्चों को पढ़ाने का बचपन से ही बहुत शौक था, इसलिए मेरी दादी ने मेरे दादा को पढ़ने दिया। गांव के स्कूल में दादा ने पोजीशन ली तो फ्री दाखला दूसरे गांव में करवा दिया गया, जो दूर था, लेकिन इस ज़माने में सब लोग ज़्यादातर पैदल ही जाते थे। दादा अपने साथ रोटी लेकर जाते, घर से भूखे ही निकलते, क्योंकि रोटी एक ही होती थी। कभी दादी रोटी के साथ नमक, कभी प्याज दे देती। वहाँ पहुँच कर दादा तफरी में वो रोटी खा लेते थे और वापसी पर कई बार जब वो घर आते तो खाने को कुछ भी ना होता था। वो सब बहन भाई खामोशी से भूखे ही सो जाते। स्कूल जाते जाते इसी तरह से दिन गुजरते गए और फिर कुछ 2-4 लड़के जो दूसरे गांव के भी थे वो भी स्कूल जाने लगे। एक दिन कुछ लड़कों ने रास्ते में एक माजूर कुतिया को पड़े देखा, जो पिछली टांगों के टूटने की वजह से ज़मीन से रगड़ खा खा कर चलती थी। लड़कों ने शरारत की और इस कुतिया को पत्थरों से इतना मारा कि वह लहूलुहान हो गई थी और मर गए। लड़के हंसते हुए वहाँ से चल दिए। मेरे दादा को बहुत दुख हुआ था, क्योंकि दादा ने इनको मना भी किया था, लेकिन वो बहुत बदतमीज़ थे। उन्होंने दादा को गालियाँ भी दी। दादा खामोश हो गए थे। इनके जाने के बाद दादा ने इस कुतिया को रास्ते से हटाकर झाड़ियों में रखा तो इनको कुछ आवाज़ें सुनाई दी। दादा ने देखा कि 2 छोटे पिल्ले थे, जो यकीनन इस कुतिया के ही बच्चे थे। वो झाड़ियों से निकल कर आए और माँ की लाश से लिपट के और खेलने लग गए। दादा को तो बहुत दुख हुआ था। उनको नहीं पता था कि इनकी माँ मर गई है। वो पिल्ले माँ के दूध को टटोलते और पीने लगे थे। दादा ने अपने हिस्से की एक रोटी आधी रख दी ताकि पिल्ले वो खा सकें और ख़ुद स्कूल चल दिए। अब दादा जब भी इस रास्ते से गुजरते तो अपने हिस्से की रोटी इन पिल्लों को डाल देते। वो इससे मानूस हो चुके थे। हमारे दादा भूखे जाते, कभी कभार कोई दोस्त कुछ खाने को दे दिया करता। इसी तरह दादा की ये रूटीन बन गई थी। वो रोज़ रोटी इन जानवरों को डालने लग गए। वो पिल्ले भी दादा को आधा देखते ही ज़ुबान निकाल कर इर्द गिर्द घूमते। दिन गुजरने लगे, लेकिन दादा अपनी भूख की परवाह किया बिना बकायदा इनको रोटी डालते थे। फिर दादा ने गाँव के कचरों में से पड़ी हड्डियाँ, सूखियाँ और रोटी इकट्ठा करना लगे। एक लिफाफे में वो जमा करते, ये भी पिल्लों को डाल देते थे। वो पिल्ले दादा से इतने मानूस हो गए कि अब वो साथ साथ गांव तक भी चलकर आ जाया करते और फिर खुद ही वापस चले जाते। दादा ने सोचा कि बारिशें होने वाली हैं, पिल्ले क्या करेंगे, लिहाजा दादी की इजाज़त से वो इन दोनों पिल्लों को घर ले आए। काफ़ी लोगों ने बातें की, लेकिन मेरी दादी ने परवाह नहीं की। कच्ची सी छोटी सी कोठड़ी में, जिसमें दादा को अबू ने बकरियाँ रखी हुई थी, इनमें उन्होंने इनको भी डाल दिया। अब दादा की अम्मी घर में रोटी पिकती तो सबके घर वालों के साथ एक एक निवाला इन पिल्लों को भी डाल दिया करते थे। उन जानवरों को घर आए कुछ दिन ही गुजरे थे कि गांव से स्कूल जाते हुए मेरे दादा के साथ बहुत अजीब बात हुई। जिस रास्ते में इनको वो पिल्ले मिले थे, वहाँ एक सुर्ख रंग की पोटली रखी हुई थी। उन्होंने इधर उधर देखा कि शायद किसी की हो, लेकिन वहाँ दूर दूर तक कोई भी ना था। वो आगे बढ़े, पीछे आए तो उन्होंने वापस वैसे ही उसको उठा लिया। उसे खोला तो उसमें मिठाई थी। इस ज़माने में मिठाई बहुत बड़ी सौगात हुआ करती थी। वो बहुत हैरान थे कि इस वीरान रास्ते में किसने रखी। बहरहाल उन्होंने ये समझ कर कि किसी की होगी और बाद में आकर कोई ले जाएगा, स्कूल को चल दिए। वापसी पर भी वो अकेले ही थे। कुछ लड़कों ने स्कूल जाने से उन्हें छोड़ दिया था और अब अकेले ही वो जाया करते थे। रास्ते में मिठाई फिर से वैसी की वैसी पड़ी थी। दादा अब्बू ने इसे उठा लिया और घर को ले आए। फिर ख्याल आया कि इनकी अम्मी गुस्सा ना करें, तो उन्होंने वो मिठाई किसी और रास्ते पर रख दी। दूसरे दिन फिर वो मिठाई इसी जगह मौजूद थी जहाँ से उन्होंने उठाई। अब दादा बहुत हैरान हुए कि ये तो किसी दूसरी जगह रख कर आए थे। वो डर भी गए। खैर, वो चल दिए और वापसी पर वो वैसी ही 2 पोटलियाँ पड़ी थी। वो चलने लगे, लेकिन फिर तजस्सुस की बिना पर दोनों को उठा कर खोला। एक में मिठाई और दूसरे में बाजरे का आटा था। दादा बहुत हैरान थे कि ऐसा क्यों है। वो छोटे भी थे, इतना नहीं पता था कि खैर वो इधर उधर सब को छोड़कर सीधा अपने घर आ गए। इसका जिक्र उन्होंने किसी से भी नहीं किया था। बकरियां तो उनके चचा ले गए थे, मगर वो पिल्ले इनसे बहुत मानूस थे। इस ज़माने में लोग बाथरूम जाने के लिए बाहर जाते थे।
मेरे दादा भी गए और जब वापस आए तो एक वीरान रास्ते में वैसे 3 पोटलियाँ मौजूद थी। वो बहुत हैरान थे। तीसरी पोटली खोली तो इसमें सरसों का साग था, जबकि मौसम था ही नहीं साग का। दादा सच्ची में बहुत घबराए और डरकर वापस घर चले गए। वो अब खौफजदा थे और 3 दिन उन्होंने छुट्टी की तबीयत का बहाना बनाकर 3 दिन के बाद वो फिर गए तो अब एक बहुत बड़े साइज की पोटली वहाँ पड़ी थी। और इससे पहले कि पीछे हट कर वो डर के हटते, किसी अनजानी कुत ने इनके कदम जकड़ रखे थे। वो बहुत फाके के दिन थे, कई रातें वो भूखे सोए हुए थे। उन्होंने वो पोटली आखिरकार खोल ही ली। अब इसमें ताज़ा नाशपातियाँ और सेब भी थे। पहली बार उन्होंने कुछ चीज़ें खाई तो भूख और चमक उठी। कई दिनों से फाके में थे वो, सिवाय बाजरे और साग के बाकी सब खा गए और वापसी पर वो पोटली साथ लेकर आ गए। दादा ने अपनी अम्मी से झूठ भी पहली बार बोला कि आज स्कूल में ज़मींदार आया था, उसने ये दिया है, इनके खेतों में साग उगा है। भूख वैसे भी अकल छीन लेती है। फाका कश घराने ने बाजरे की रोटियां और साग बहुत अरसे के बाद पेट भर कर खाया। अब तो रोज़ कोई ना कोई चीज़ इस रास्ते में मेरे दादा को मिलती, कभी सब्जी, कभी फल और कभी आटे, कभी मक्खन, कभी घी और कभी चावल। वो रोज़ ये कहते कि ज़मींदार ने दिए हैं, तो इस तरह से इनके फाकों में कमी आ जाती थी और 2 वक्त का खाना मैसर होता। पूरा साल मेरे दादा को कुछ ना कुछ मिलता था। आखिर एक दिन दादा को वहाँ से एक आना मिला जो इस ज़माने के पैसे थे। वो भी वो घर ले आए और ये अपनी माँ को बताया कि दूसरे दिन 2 आने मिले। इस तरह पैसे बढ़ते रहे। उस वक्त पैसे भी किसी किसी के पास होते थे, लोग दाने बाजरे मकई देकर ही चीज़ें खरीदते थे। वो एक ही आना कभी अपनी माँ को देते और बाकी जमा कर लेते। इकट्ठे पैसे अगर अपनी माँ को देते तो वो शक करती। ये सिलसिला 2 साल तक चला था। पैसों की तादाद बढ़ती जा रही थी और इस तरह मेरे दादा ने डोली में काफ़ी पैसे जमा कर लिए थे। अब घर में फाके ख़त्म हो गए थे। गांव वाले भी हैरान थे कि खैर ये जब गांव में फजूल बातें होने लगी कि बाप सर पर नहीं है तो दुकान से सौदा कैसे लेते हैं। दुकानदार थे वो भी हैरान थे। वो भी दादा की अम्मी से सवाल करने लगे। दादा को बहुत बुरा लगा था, लेकिन जब दादा की अम्मी ने भी इसरार किया कि सच बताओ क्या करते हो, कहाँ से लाते हो, लोग बातें करते हैं, तो दादा को सच बताना पड़ा। अपनी अम्मी को उन्होंने सुना तो दिया तो वो फौरन बोली कि अल्लाह ताला बड़ा गफूर रहीम है, वो गैब से अपने बंदों को रिजक देता है, लेकिन शायद अब हमें ये मज़ीद मदद ना मिले क्योंकि हमने अपने अल्लाह के राज में मुझे शामिल कर लिया है। ये गैबी मदद अल्लाह ताला की ज़ात किसी ऐसे इंसान की करती है जिसने कोई बहुत बड़ी नेकी की हो। ज़रूर तुमने कोई ऐसा काम किया है जो अल्लाह ताला को पसंद आ गया और इस अल्लाह पाक ने तुम्हारी मदद की। ये सच भी हुआ। जब मेरे दादा ने ये राज अपनी अम्मी को बताया तब के बाद इस जगह से उन्हें कुछ ना मिला था। मेरे दादा रोज़ ही ढूंढते कि शायद कुछ हो, लेकिन कुछ भी ना होता। जो पैसे दादा ने बचाए थे इन पैसों की भैंसे लेकर दादा की अम्मी ने पाली और इस तरह घर मजीद फाकों से बच गया था। मेरे दादा फूड इंस्पेक्टर के ओहदे पर पहुँचे थे। फिर ज़िंदगी ने सब कुछ उनको दिया। मैं सोचती हूँ कि शायद ये सब कुछ उन पिल्लों की वजह से हुआ क्योंकि वो भी तो जानदार थे। ये आज की कहानी आखिरी है जो मैं आपको सुना रही हूँ। 10-12 साल पहले का वाक्य है। औरंगी टाउन कराची के एक मोहल्ले से हम दोस्तों ने कलरी झील जाकर पिकनिक मनाने का प्रोग्राम बनाया। वीकेंड पर सब दोस्त एक कोस्टर में रात के 8 बजे रवाना हो गए। 8 बजे ठटा शहर पहुँच कर ड्राइवर ने कहा कि फजर की अजान तक एक मज़ार पर रुक जाते हैं, इसके बाद कलरी के लिए निकलेंगे। इस वक्त कलरी जाना ठीक नहीं है, अक्सर रात को वहाँ पुरस्कार मामला देखे गए हैं। सारे दोस्त ये सुनकर खूब हंसे और इस बात को मजाक में उड़ाकर गाड़ी वाले को ज़बरदस्ती इस वक्त कलरी जाने के लिए राज़ी किया। रात 2 बजे के वक्त हम लोग कलरी पहुँच गए। सब लोग अलग अलग ग्रुप्स की शक्ल में अपनी मस्ती में मगन हो गए। इनमें से 2 लड़के कैमरे की मदद से झील के पास मौजूद बेरी के दरख्त के साथ अपनी पिक्स बना रहे थे। इसी दौरान इनमें से एक अपने दोस्त से कहा कि इस बेरी के पेड़ के साथ मेरी एक पिक्चर लो। जैसे ही कैमरे का फ्लैश ऑन हुआ और तस्वीर बनी, तस्वीर बनवाने वाला लड़का अचानक ज़मीन पर गिर गया और चंद ही लम्हों में इसकी मौत वाक़ हो गई। ये तो सब देख कर सब दोस्तों को जैसे सकता तारी हो गया। पुलिस को बुलवाया गया मगर फिर भी सब दोस्तों को शक की बुनियाद पर थाने में बंद कर दिया गया। लाश के पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल गया। फिर मरने वाले के घर वाले भी कराची से थाने पर पहुंच गए। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई तो पता चला कि मरने वाले के जिस्म से दिल ही गायब था।
ताज्जुब वाली बात ये थी कि पोस्टमार्टम से पहले तो इसकी मैयत पर एक खराश तक नहीं आई थी। सब लोग बहुत परेशान थे। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के दौरान मरने वाले के कैमरे में से जब तस्वीरों को धुलवाया गया तो आखिरी तस्वीर के मंजर पर वहाँ मौजूद हर शख्स के होश उड़ गए। तस्वीर में मरने वालों के साथ एक भयानक औरत की शक्ल थी जिसका बायां हाथ लड़के के सीने से कुछ निकाल रहा था। घर वालों ने अपने बच्चे की मौत की रजाई इलाही समझकर पुलिस केस वापस ले लिया। कुछ अरसे तक हम सब दोस्त बहुत ज़्यादा खौफ में मुब्तला रहे। किसी बुजुर्ग ने यह तस्वीर देखी और अपने रूहानी इल्म से इस वाक़े की हकीकत कुछ यूँ बयान की। मरने वाला लड़का जिस बेरी के पेड़ के पास था, इस पेड़ पर एक भयानक चुड़ैल जिसे पिछल पैरी भी कहा जाता है उसका बसेरा था। ये चुड़ैल बहुत खौफनाक और जालिम होती है और अगर कोई इंसान गलती से इसका शिकार बन जाए तो पिछल पैरी एक ही वार में इस इंसान का दिल निकाल कर खा जाने की ताकत रखती है। लिसनर्स, ये आज की स्टोरीज थी। आई होप कि आपको अच्छी लगी होंगी। मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दिया करेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे न्यू स्टोरीज़ के साथ। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।